प्रयागराज के फुलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमिलिया गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग आधा दर्जन लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना फुलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमिलिया गांव की है, जहां पर सरकारी देसी शराब की दुकान जो कि संगीता देवी जायसवाल के नाम अनुज्ञापित है, में आसपास के लोगों के द्वारा शराब खरीद कर पीने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो 5 लोग प्यारेलाल राजेश गौर, वसनलाल पटेल, शंभुनाथ राज बहादुर की मौत हो गई तथा लगभग आधा दर्जन लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने तुरंत ही आसपास के गांव में अन्य कई लोग शराब के कारण बीमार न हो गए हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे और उनको भी इलाज के लिए प्रयागराज जिला हॉस्पिटल में भेजने की व्यवस्था करने लगे। इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज भानुचंद गोस्वामी ने बताया कि इस घटना में शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकी दोषियों को भी जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा। प्रशासन द्वारा सभी बीमार लोगों को जल्द से जल्द इलाज की व्यवस्था की जा रही है और इस तरह से अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कड़ी चौकसी बरतते हुए सजा दी जाएगी। यहाँ यह जानकारी मिली कि कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुँची है और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 4 लोगों की डेथ जो है वह जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी इसकी पुष्टि भी करवाई जा रही है और प्रशासनिक टीम अब सक्रिय है और घर घर पर भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है, तो इसका अभी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर। और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके। प्रयागराज से नावेद खान की रिपोर्ट।